हम मल्लेश्वर से जाम गेट के सफ़र पर है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने जो पहाड़ वगैरह है, ये जाम गेट की तरफ रास्ता जाता है और ये पहाड़ जो है विंध्याचल के पहाड़ों की श्रेणी में आता है। भूगोल में किताबों में बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया जाता है और भूगोल किताबों में विंध्याचल का वर्णन बार बार आया है। जाम गेट विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला में आता है। बरसात में यहाँ की खूबसूरती दिल को छू लेने वाली होती है। अभी हम पतझड़ के मौसम में आए हुए हैं। यह निमार से मालवा की सैकड़ों मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर घूमते दिखाई दे सकते हैं, उसमें जंगली जानवर भी हो सकते हैं। यहाँ मंदिर और दरगाह स्थित है जो लोगों की आस्था का केंद्र है। पहले ये रास्ते काफ़ी खराब हालत में थे, अब बहुत काफ़ी सुधार हो गया रास्तों में, इसलिए रास्ता यहाँ मालूम नहीं पड़ रहा। पहले रास्ता बहुत ख़राब थे, अब बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आप ये रास्तों को देख सकते हो, सड़कें एकदम नई बनी हुई है। जाम गेट का रास्ता इसे अहिल्या बाई ने बनवाया था, यह होलकर साम्राज्य में आता था। यह रास्ते का उपयोग राजाओं सेना इंदौर से महेश्वर आने जाना और व्यापार के लिए किया जाता था। ये व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए यह रास्ते का निर्माण हुआ था। यह रास्ता व्यापार के लिए भी उपयोगी था और राजाओं की सेना महेश्वर मल्लेश्वर और इंदौर के लिए हुआ करता था। ये हम आप देख सकते हो, हम ये घाट की चोटाई के ऊपर चढ़ रहे हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ट्रैक्टर की ट्राली जोर से भरी हुई है, ओवरलोड होने की वजह से चढ़ नहीं पा रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही है। यहाँ लोडिंग और बसें नहीं चलती, भारी वाहन इस रास्ते पर नहीं आते हैं। जो आप देख सकते हो पहाड़ों की ऊंचाई और साइड में चट्टाने, ये डबल गोले का रोड है, टू साइड रोड। ये आप देख सकते हो घाट सेक्शन। यहाँ टर्न भी काफी है। ये आप बंदरों को देख सकते हो। ये हम पहाड़ की चोटाई के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और जाम गेट के करीब आते जा रहे हैं। हम आपको जाम गेट को भी बताएंगे कि जाम गेट के लिए लोग बेचारे रास्ते पे ही खड़े हैं, ट्रैफिक के हाईवे के ऊपर सो गए, लगता ज़्यादा पी रखी उन्होंने। कैसे कैसे लोग हैं यार दुनिया में। ये आप देख सकते हो पहाड़ों की ऊंचाई, और हमें इस रास्ते से पहाड़ों की बुलंदी के ऊपर जाना है, और जहाँ से हम आपको खाई भी बताएंगे, जहाँ से लोग सेल्फी और फोटो लेने के चक्कर में बहुत मरते हैं, फोटो सेल्फी वीडियो, वहाँ पे हर साल बहुत लोग टूरिस्ट आते हैं घूमने, और सुरक्षा की अनदेखी करते हुए वीडियो शूट करते हैं और खाई में गिर जाते हैं। हम उस जगह से आपको उस खाई का नज़ारा भी बताएंगे कि कैसे वहाँ पर लोग मारे जाते हैं। ये देख सकते हो आप, हम पहाड़ों की ऊंचाई पर जाते जा रहे हैं। ये देखिए, ये पहाड़ों की ऊंचाई है, ये आप पहाड़ों की ऊंचाई देख सकते हो। ये हम अब घाट सेक्शन समाप्त तो होने वाला है थोड़ी कुछ देर में, कुछ देर में घाट सेक्शन समाप्त तो हो जाएगा। ये आप यहाँ से खाई देख सकते हो, कितनी नीचे खाई है। वन साइड जो ड्रावर साइड है,
उस तरफ बहुत गहरी खाई है और सामने जो गेट दिख रहा है मंदिर जैसा, वो जाम गेट कहलाता है। उसे हम आपको करीब से दिखाएंगे। ये बंदर देख रहे हो आप पेड़ पे बैठे हुए। बरसात में ये जो पहाड़ है ये पानी इतना छोड़ने लग जाते हैं कि आप वो पानी को बाटल में भर के पी सकते हो। कुदरती झिराले इस पहाड़ों में चालू हो जाते हैं, पत्थरों में से पानी रिसना चालू हो जाता है और फवारे निकल जाते हैं। बाकी वो सिर्फ बरसात में देखा जाता है। इन पत्थरों को जो है साइड देखिए आप, ये पत्थरों पहाड़ों के बीच में पानी के फवारे चालू हो जाते हैं और पानी अब बाटल आप पी सकते हो भर के, कुदरती पानी नेचुरल। ये सामने जाम गेट दिख रहा है। ये आपको हम वीडियो बना के आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये देख सकते हो आप कि हम जाम गेट के बहुत करीब आ चुके हैं। ये जाम गेट के रास्ते हैं टेढ़े मेढ़े और यहाँ लापरवाही से गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है। ये आप पत्थरों को देखिए, ये नेचुरल पानी इनमें से चश्मे बह निकलते हैं। ये पहाड़ जो है पानी छोड़ देते हैं पानी पीने के बाद, बरसात का वो पानी कुदरती होता है जिसे हम झिराले कहते हैं। ये अब हम जाम गेट के काफी करीब आ चुके हैं। ये आप देख सकते हो सामने जाम गेट बना हुआ, किले के आकार का है। ये बीच रास्ते में से जो है इसे बीच रास्ते में बनाया गया है। बसें और गाड़ियां वाहन इसके अंदर से निकलती होकर गुजरती है। अभी हम आपको रुक के बताते हैं 2 मिनट, वो खाई भी बताएंगे और जाम गेट को करीब से भी बताएंगे। ये देखिए, पहले हम आपको खाई बता देते हैं, खाई का नज़ारा कि खाई कैसी है। एकदम गहरी, यहाँ पर लोग सेल्फी लेने के चक्कर में बहुत मारे जाते हैं। ये आप देख रहे हो, ये जो गड्ढा दिख रहा है एक खाई है। यहाँ लोग सेल्फी लेने के चक्कर में लोग दीवानापन होता और बस उनको सेल्फी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता और वो उनके साथ हादसे हो जाते हैं, पैर फिसलता है। ये आप देख सकते हो, ये किले का आकार का बना हुआ है, एक किले नुमा है। बीच में से गाड़ियाँ आ रही ही जा रही है, कुछ कबूतर भी यहाँ पे हैं, कबूतरों के घोंसले, कबूतरों के घोंसले भी इसके अंदर है। और ये लोग देख रहे हो आप, ये जाम गेट है, ये चलो ये हमारा हो जाए और ये अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या है कि अब हमें इंदौर भी जाना है, यहाँ से हमें इंदौर भी जाना है। आप देख सकते हो यह रास्ता, ये देख सकते हो आप, ये सब टूरिस्ट पॉइंट है। यह सब टूरिस्ट लोग खड़े हुए हैं और साइड में खाई का आनंद ले रहे हैं और कुछ लोग खाना पीना इंजॉय करने लोग आते हैं। टूरिस्ट पॉइंट भी है ये, जैसा कि आप देख सकते हो आप।